तो अभी बस अभी हम नाश्ते की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली ये व्लॉग आपने जो टाइटल पढ़ा है वही है, जी हाँ, अदनान के बर्थडे का है, तो एक दिन पहले का व्लॉग है। तो अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है, तो मैं यहाँ पर आज बनाऊंगी मिक्स वेज। इसके लिए मैं मटर वगैरह छील रही हूँ, इसमें गाजर, गोभी, क्योंकि विंटर में ना ये सब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा चलती है और ज़्यादा खाई भी जाती है, तो इन सबको मिक्स करके मिक्स वेज में बनाऊंगी। तो ये देखो गाजर है, मटर है, और बस शिमला मिर्च भी डालती हूँ इसमें, आलू, गोभी, जितनी भी मेरी सब्जियाँ बनती है ना मैं सारे डाल देती हूँ, और बस इसको मैं बना देती हूँ। तो ये देख लो मेरी सब्जी का फाइनल लुक कैसी लग रही है, आपको देख के बतानी पड़े क्योंकि खा तो आप नहीं सकते हो। तो खाने में भी काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी अदनान का प्री बर्थडे केक, क्योंकि मैंने खुद बनाया था, मैंने बताया था कि मैं उसको अदनान का जो प्री बर्थडे केक होगा जो हम रात को 12 बजे कट करेंगे मैं उनके लिए खुद बनाऊंगी, तो वही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने बनाया था चॉकलेट केक, अच्छा बना था वैसे तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकती कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में ही सामान लेना है, क्योंकि मैं मेरा कोई कुकिंग चैनल तो नहीं है जो मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ। तो जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ आप देख लेना, अगर आप मेरे स्टाइल में बनाना चाहो तो मुझे देख देख के फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि थोड़ी बहुत कुकिंग मैं कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर ये सब डाला है, मैदा, ऑयल, मिल्क, कोको पाउडर, सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब मिला के ही बनता है केक। तो बेसिकली मैंने केक का जो वो होता है ना बेस, तो मैंने केक का जो बेस है वो रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है ना मदर डेरी की क्रीम, जिससे कि मैं ना जो चॉकलेट है ना चॉकलेट कंपाउंड जो होता है ये वाला, तो मेरे पास ये डार्क कंपाउंड है, इसको मैं क्रीम में मिक्स करके ना चॉकलेट गनाश टाइप की बनाऊंगी। ये इस तरह का इसके अंदर ना क्यूब निकलते हैं, उसको मैंने ना ग्रेट कर लूँगी अच्छे से कद्दूकस से, और ग्रेट करके मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। अगर आपके पास बटर हो तो बटर भी डाल सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा टेक्स्चर आ जाता है। तो मैं इसमें ग्रेट करके और क्रीम ऐड करूँगी, जिससे बहुत अच्छी वो बन जाएगी ना, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं गनाश टाइप का। ठीक है ना, केक रेडी हो गया, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट यहीं से वीडियो शूट करी है। अब मैं इसके ऊपर नाम लिख रही हूँ क्रीम से, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, तो बस मैंने इसको ना किटकैट चॉकलेट से और शॉर्ट्स जो आते हैं ना उससे मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ मैं अदनान का नाम लिख रही हूँ, मेरा मतलब मित्रा ने कहा कि नाम का तो मेरा ही प्लान था, बट अदनान उसने मैंने कहा कि ये ना दिल यहाँ से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो ये हमने केक हमारा रेडी हो चुका है, आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है देखने में, मार्केट में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ओके, तो अदनान ना रात को 12 बजे सो गए थे, फिर हमने उन्हें आके उठाया और वो उठे। आप मुझे नहीं बताओ वो कैसा लगा, सरप्राइज हो तो वही बता सकते हैं, पर हमने जितना मुझे नहीं पता कि उनको कैसा लगा। और ये फिर अगले दिन का उनका केक था जो हमने मार्केट से मंगाया था, और ट्रफल केक था जो कि अदनान का फेवरेट है, तो उनकी पसंद का केक मैंने मंगाया उनके लिए। फिर बस अभी अदनान का ये बर्थडे वाला दिन है, जिसमें शाम को जब ऑफिस से आए थे तो हमने उनका ये केक कट किया था। अम्मी है, इकरा है, ताहा है, ताद है, मैं हूँ, और बेटी आप ही बच्चे थी किचन में। तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन था, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही छोटा सा व्लॉग था, तो पूरा पता नहीं कैसे वीडियो अब भी ये वाली।